देखिए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और माननीय गृह मंत्री जी का मार्गदर्शन हम सब लोगों को मिला। सॉरी, परिवर्तन यात्रा और आगामी कार्य योजना पर चर्चा हुई और मैं सोचता हूँ आज की आप दोनों का यहाँ आना हम सब लोगों के लिए एक नई ऊर्जा और उत्साह देगा और राजस्थान में 2023 में कमल खिले एक ऐसा मार्गदर्शन माननीय दोनों हमारे राष्ट्रीय नेताओं का मिला। चुनाव से संबंधित सभी पक्षों पर विचार होता है, लंबे विषय चुनाव कोई सामान्य विषय नहीं है और जब पहली बार माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय गृहमंत्री जी के साथ बैठे थे सारी स्थितियों पर सब पर चर्चा हुई, अलग अलग क्षेत्रों पर भी चर्चा हुई है, इश्यूज पर भी चर्चा हुई है, चुनाव का किस तरह के समीकरण बनेंगे उस पर भी चर्चा हुई है, वर्तमान सरकार के हालात पर भी चर्चा हुई है, वर्तमान सरकार के खिलाफ जो समाज में मुद्दे हैं, प्रदेश में मुद्दे हैं, मतदाता। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहा है बीजेपी की बैठक जो चल रही है उससे जुड़ी हुई पांच सबसे बड़ी बातें आपको बता दें। सांसदों को चुनाव लड़ाने पर आगे विचार किया जाएगा और देखिए एमपी फॉर्मूला लागू होगा ये नहीं, ये चुनाव समिति तय करेगी। तो बीजेपी के वो तमाम बड़े धुरंधर इस वक्त देखिए राजस्थान दौरे पर लगातार नजर आए थे। इससे पहले जो तस्वीरें सामने आई थी वो हमने आपको दिखाई थी, उसमें देखिए आपने देखा होगा कि गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जयपुर दौरे पर नजर आए। यहाँ पर चुनावी रणनीति बनाई जा रही है कि आने वाले दिनों में कैसे यहाँ पर बूथ स्तर तक कार्यकर्ता पहुंचे, क्योंकि कुछ ही दिन बाकी है, उसके बाद से देखिए आचार संहिता लग जाएगा और उसके बाद या उससे पहले क्या क्या कार्यक्रम है उसको लेकर के यहाँ पर बीजेपी रणनीति बनाती हुई नजर आ रही है। जयपुर बीजेपी मुख्यालय में मैराथन मंथन यहाँ पर किया जा रहा है और 6.5 घंटे बैठक में चुनावी रणनीति बनाई गई है कि आने वाले दिनों में कैसे चुनाव में उतरना है, क्योंकि बीजेपी इस बार पूरा फोकस राजस्थान पर कर रही है और एक तरफ कांग्रेस जहां कह रही है कि सरकार रिपीट होगी तो बीजेपी ये दावा कर रही है कि इस बार परिवर्तन होगा। और वो तस्वीर हमने आपको दिखाई थी जब राजस्थान के अलग अलग जिलों से परिवर्तन यात्रा गुजरी थी, बीजेपी के वो तमाम बड़े कद्दावर नेता अब जयपुर का राजस्थान का दौरा करते हुए नजर आए, यहाँ पर संबोधित करते हुए लोगों को नजर आए और लोक लुभावने जो वादे हैं वो बीजेपी की तरफ से किए गए हैं। तो देखिए आचार संहिता तक क्या आगे कार्यक्रम रहने वाले इसको लेकर के यहाँ पर रणनीति बनाई गई है। ये बैठक काफी महत्वपूर्ण हो जाती है, सबकी जो नजरें हैं इस बैठक पर टिकी हुई हैं और इस बैठक के बाद से ये कहा जा रहा है कि प्रत्याशियों का ऐलान हो सकता है। तो एमपी फॉर्मूला लागू होगा ये नहीं, चुनाव समिति ये देखिए तय करेगी। बीजेपी की बैठक की वो पांच बड़ी बातें हम आपको बता रहे हैं। इस बार किसी भी वरिष्ठ अधिकारी नेता मंत्री किसी को भी इग्नोर नहीं किया जाएगा, ये इस रणनीति में तय किया गया है। इससे पहले देखिए क्योंकि जो तस्वीरें हमने देखी थी उसमें ये देखने को मिला था, भले ही बीजेपी यहाँ पर जीत का दावा करती हुई नजर आ रही हो लेकिन जो एक जुटता है वो देखने को नहीं मिल रहा था और इसी को लेकर के ये बैठक काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। यहाँ पर बैठक में रणनीति बनाई जा रही है कि यहाँ पर हमें एकजुटता दिखाना है क्योंकि आने वाले दिनों में चुनाव है और इसको लेकर के पूरी रणनीति में अब यहाँ पर बीजेपी नजर आ रही है। ये जो बैठक चल रही है देखिए काफी महत्वपूर्ण हो जाती है, बीजेपी सही वक्त पर प्रत्याशियों की घोषणा करेगी और वो सही वक्त का सबको इंतजार है क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि इस बार कई लोगों के टिकट कट भी सकते हैं, इस बार युवाओं को मौका मिल सकता है। तो सबकी नजरें उसी पर टिकी हुई हैं जब प्रत्याशियों का ऐलान किया जाएगा। और देखिए जिस हिसाब से महिला आरक्षण बिल इस बार लाया गया है बीजेपी की तरफ से, महिलाओं को इस बार आगे बढ़ाने की जो कवायद है वो भी देखने को मिल रही है। तो बीजेपी सही वक्त पर प्रत्याशियों की घोषणा करेगी और उसी पर सबकी नजरें टिकी हुई है। जयपुर बीजेपी मुख्यालय में मैराथन मंथन चल रहा है। पार्टी पहले से जोशीली है, किसी बी कॉम्प्लेक्स की जरूरत ही नहीं है, पार्टी पूरे तरीके से बूस्टअप है और मजबूती से सरकार बनाएगी, इतना ही कह सकता हूं। मेरे ख्याल से इसको आपको ठीक से ब्रीफ करेंगे प्रदेश प्रभारी जी या प्रदेश अध्यक्ष जी, मैंने देखा नहीं, मेरा जितना रोल था मैं करके आ गया। सर कब तक चलेगी बैठक? मध्य रात्रि तक। राजस्थानी में कहावत है कि मनसाराम भांडजार मनी मन जानजार, सारी चीजें आपको पता है। तो देखिए यहाँ पर बैठकों का दौर लगातार जारी है, बीजेपी के वो बड़े जो कद्दावर नेता है वो बैठक में शामिल होते हुए नजर आए। 6.5 घंटे बैठक में चुनावी रणनीति बनाई गई है कि आने वाले दिनों में किस हिसाब से चुनाव में उतरना है, आचार संहिता तक यहाँ पर अगले कार्यक्रम तक बना दिए गए हैं।
प्रत्याशियों के चयन का आधार पार्टी ने तय कर लिया है और सभी को इंतजार है जब वो सूची यहां पर जारी की जाएगी। बीजेपी कह रही है कि सही वक्त पर प्रत्याशियों की घोषणा की जाएगी। यानी कि देखिए, इस चुनावी मंथन में ये निकल करके सामने आ रहा है कि इस बार जो जिताऊ कैंडिडेट होगा उसी को टिकट दिया जाएगा, क्योंकि इतना चर्चा विमर्श किया जा रहा है। बीजेपी के वो तमाम बड़े कद्दावर नेता जयपुर का दौरा करते हुए नजर आए, चाहे वो देखिए गृह मंत्री अमित शाह हो, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हो, यहां तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद राजस्थान दौरे पर रहे। जयपुर में उन्होंने जनसभा को देखिए संबोधित किया था और यहां पर कहा जा रहा है कि इस बार बीजेपी की सरकार बनेगी, इसी को लेकर के ये मंथन किया जा रहा है, एक जुटता का संदेश दिया जा रहा है। और यहां पर देखिए पूरे स्तर पर बातचीत की जा रही है कि किसी के मन में कोई खटास ना हो, क्योंकि चुनाव से पहले अगर किसी के मन में कोई खटास है तो उसको दूर करने की कोशिश यहां पर बीजेपी करती हुई नजर आ रही है। और बीजेपी की बैठक की 5 सबसे बड़ी बातें वो हम आपको बता दें, चुनाव की घोषणा होने तक कार्यक्रम यहां पर देखिए तय कर लिए गए हैं, सांसदों को चुनाव लड़ाने पर आगे विचार किया जाएगा, साथ ही देखिए एमपी फॉर्मूला लागू होगा या नहीं होगा चुनाव समिति ये तय करेगी, और इस बार किसी भी वरिष्ठ नेता को इग्नोर नहीं किया जा रहा है, ये सबसे बड़ी बात है। क्योंकि राजस्थान में देखिए बीजेपी को लेकर के कुछ दिन पहले ये हलचल भी देखने को मिली थी कि वसुंधरा राजे को कहीं ना कहीं इग्नोर किया जा रहा है, लेकिन अब बीजेपी पूरी तरीके से ये कहती हुई नजर आ रही है कि इस बार किसी भी नेता को इस बार इग्नोर नहीं किया जाएगा। और इस बार क्योंकि बीजेपी पूरी फोकस पूरी तैयारी में है कि राजस्थान का किला बीजेपी को जीतना है, तो कांग्रेस भी देखिए एक तरफ दावा करती हुई नजर आ रही है कि इस बार सत्ता रिपीट होगी। तो जयपुर से बड़ी जानकारी आपको दे दें, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जयपुर में है, बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी जयपुर में है, आज संघ के नेताओं से मुलाकात कर सकते हैं। सुबह 11 बजे तक दोनों नेताओं का दिल्ली लौटने का कार्यक्रम बताया जा रहा है, यह बड़ी जानकारी। देखिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी जयपुर में है, तो वहीं देखिए बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी जयपुर में है। देखिए चुनावी रणनीति यहां पर बनाई जा रही है और बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले गृह मंत्री अमित शाह अगर जयपुर में है तो आप सोच लीजिए किस हिसाब से यहां पर चुनावी मंथन किया जा रहा है। दो बड़े कद्दावर नेता, एक तो जेपी नड्डा और एक गृह मंत्री अमित शाह, दोनों ही यहां जयपुर में है, चुनावी रणनीति बना रहे हैं कि आने वाले दिनों में कैसे जीत हासिल की जाए। सुबह 11 बजे तक दिल्ली लौटेंगे शाह और नड्डा, तो ये दौरा काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। देर रात तक देखिए चुनावी रणनीति यहां पर बनी है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जयपुर में है, तो वही अगर बात कर ले बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की, वो भी जयपुर में है, दोनों ही बड़े कद्दावर नेता जयपुर दौरे पर। इस बार पूरा फोकस राजस्थान का किला जीतने का है, आज संघ के नेताओं से ये लोग मुलाकात कर सकते हैं और सुबह 11 बजे तक दिल्ली शाह और नड्डा लौटेंगे। देर रात तक देखिए चुनावी रणनीति बनी है, 6.5 घंटे बैठक हुई है जिसमें बीजेपी की वो तमाम बड़े कद्दावर नेता शामिल होते हुए नजर आए और आने वाले दिनों में चुनाव इसको लेकर के यहाँ पर रणनीति बनाई जा रही है। देखिए कुछ ही दिन के बाद से आचार संहिता लागू हो जाएगा, क्या कार्यक्रम रहने वाले हैं इसको लेकर के यहाँ पर रणनीति बन चुकी है कि आने वाले दिनों में कैसे चुनाव में उतरना है, और प्रत्याशियों की घोषणा को लेकर के यहाँ पर चिंतन और मंथन किया जाता है, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण यही हो जाता है। और ये भी कहा जा रहा है कि बीजेपी इस बार युवाओं को मौका दे सकती है और बहुत ही ज्यादा देखिए चिंतन मंथन किया जा रहा है कि इस बार जिताऊ कैंडिडेट को ही टिकट दिया जाए। इस 6.5 घंटे की जो बैठक हुई है इसमें यही चर्चा हुआ है, असम के नेताओं से यहाँ पर मुलाकात भी हो सकती है। जयपुर से ये बड़ी जानकारी, सुबह 11 बजे तक दिल्ली शाह और नड्डा लौटेंगे, तो देखिए देर रात तक चुनावी रणनीति यहाँ पर बनाई गई है। जयपुर से इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जयपुर में है और बीजेपी के चाणक्य कहे जाते हैं, तो देखिए अगर वो वहां पर हैं तो चुनावी रणनीति यहां पर बन चुकी है, बिगुल फूंक दिया गया है कि बस कुछ ही समय का इंतजार है जब यहां पर प्रत्याशियों की सूची जारी की जाएगी। तो जयपुर से आपको बड़ी